हेलो एवरीवन, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उससे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, और दोनों इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों को हम साथ में कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो पहला फॉर्मूला होता है, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं अगर आपको ट्रायंगल की तीन साइड्स दी हुई है, जैसे अगर एक साइड को ए, एक को बी और एक को सी बोलेंगे, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इन सबका मल्टीप्लीकेशन, जहाँ पे ए बी सी साइड्स के बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर साइड्स ले लेता हूँ 5, 4 और 3, तो हम इस फॉर्मूले से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एस जो होता है दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, सेमी मतलब हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एस की, तो क्या आएगा, फॉर वैल्यूज 5, 4, 3, सो दिस विल बिकम 5 + 4 + 3/2, सो दिस विल बिकम 12/2, दैट इज 6। तो ये आ गई हमारी S की वैल्यू। अब हम यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला को यूज करके। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी अंडर रूट S, S माइनस ए हो जाएगा 6 - 5, S माइनस बी हो जाएगा 6 - 4, और S माइनस सी हो जाएगा 6 - 3। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट 6 × 1 × 2 × 3। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 36, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 6। तो इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें तीनों साइड्स ट्रायंगल की पता है। तो ये फॉर्मूला तभी यूज आता है जब आपको तीनों साइड्स पता है। लेकिन हम एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं लोअर क्लासेस में, जिसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस फॉर्मूले को जनरली यूज किया जाता है 90° के ट्रायंगल में, या फिर हम यूज करते हैं उस ट्रायंगल में जिसमें आपको बेस पता है और हाइट की वैल्यू पता है। हाइट क्या होती है, जिसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो वो हम ड्रॉ करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम डिफाइन करते हैं ऑल्टीट्यूड या हाइट से। तो अगर आपको बेस और हाइट की वैल्यू पता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हम इस फॉर्मूले को एक साथ यूज करके भी ऑल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यही क्वेश्चन दिया जाए कि एक ट्राइंगल है, उसमें तीन साइड्स इस तरह से हैं, एक साइड 5 है, एक साइड 4 है और एक साइड 3 है। जो हमने यहाँ पे वैल्यूज ली, उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको इसका एरिया नहीं निकालना है, इसमें आपको ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो ऑल्टीट्यूड कौन सा निकालना है, वर्टेक्स ए से इस साइड के ऊपर ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, दिस इज कॉल्ड हाइट एंड ऑल्टीट्यूड। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को एक साथ यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 6। तो ये वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ बेस आपको पता है, यहाँ पे हमने क्या लिया है 5, और इससे हम हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे हमारी हाइट आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 12/5। दिस इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि इससे आप एरिया कैलकुलेट करते हैं, इससे एरिया तब कैलकुलेट करते हैं जब आपको हाइट दी हुई है। लेकिन अगर आपको एक ट्रायंगल की तीन साइड्स दी हुई हैं और आपसे हाइट पूछी जाए, तो पहले आप एरिया निकालिए हीरोन्स फार्मूला से, फिर हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट से आप उसका ऑल्टीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं।